Hello students, let's see this question. Assuming an elementary reaction H2O2 plus 3I negative plus 2H positive giving you 2H2O plus I3 negative. ये एक elementary reaction है, यानी कि one step process है, यानी कि पूरी reaction एक single step में हो जाएगी. The effect on the rate of the reaction brought about by doubling the concentration of iodide I negative without changing the order. यानी कि आपने अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड को, जो कि रिएक्टेंट है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा इसका. ठीक है, सो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट में क्या लिख सकती हूँ, रेट लॉ क्या लिख सकती हूँ, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1 आई नेगेटिव आयोडाइड की पावर आयोडाइड की पावर 3 और एंड एच प्लस की पावर 2, ये लिख सकते हो, ये क्योंकि एलिमेंट्री रेट है. ठीक है, एलिमेंट्री रेट है. आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑर्डर को चेंज नहीं किया, ऑर्डर आपका एग्जैक्टली ऐसे ही के ऐसे ही है, अगर आपने आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है, ठीक है, यानी कि न्यू रेट निकल के आएगी, रेट डैश निकाल दो उसको, रेस्ट इज सेम, के सेम है, एच टू ओ टू की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, टू टाइम्स कर दिया, ठीक है, और एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, सेम है. तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 8 के H2O2 I नेगेटिव का क्यूब H पॉजिटिव का स्क्वायर. अब इतना पोर्शन क्या है, इनिशियल रेट है, ये क्या है, इनिशियल रेट है, और ये क्या है, R रेट डैश क्या, न्यू रेट है. सो ये 2 की सॉरी 2 की पावर 3 है, मैंने गलती से यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसको 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रेट. यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं, द न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी व्हाट, 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट. सो रेट वुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, नो. रेट वुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8, यस. रेट वुड डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/3, नो. रेट वुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, नो. राइट, सो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू.